भाई क्या कर रहा था ये, ठोक दी बाइक के अंदर। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं इवनिंग में, क्योंकि आज दिन में तो बहुत गर्मी हुई पड़ी थी, तो दिन में तो कुछ सूट नहीं कर पाया मैं, और कॉलेज में भी मीन्स मैं जल्दी आ गया था। और कल का जो आपने व्लॉग देखा होगा उसके अंदर आपको पता चला होगा कि यार मैंने सुबह जाते जाते एक्सपेंस वाली वीडियो बना ली, और उसके बाद मैंने श्याम का भी कुछ नहीं डाला उसमें। क्यों? क्योंकि कल मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि जब इवनिंग के टाइम मैं कॉलेज से निकलने वाला था ना, तो मैं सोचा था जाते हुए कुछ रिकॉर्ड करूँगा, और जब मैं बाहर निकल के गया तो मैंने देखा कि मेरा जो हेलमेट है ना उसके अंदर इतना पानी भरा पड़ा था। क्यों? बारिश आ गई थी कल। तो सुबह मैं बोल भी रहा था कि आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, फिर धूप निकलने लगी थी, लेकिन जब तक मैं निकला वो वापस मौसम ठंडा हो गया और पूरा हेलमेट मेरा भीग गया। तो उस टाइम मैं व्लॉग कर नहीं पाया और आज भी नहीं कर पाया। तो अभी मैंने सोचा अपना शाम के टाइम थोड़ी सी अच्छी सी राइड लेते हैं और अपना व्लॉग शूट कर लेते हैं, क्योंकि यार इवनिंग के टाइम थोड़ा घूमने में अच्छा लगता है। मीन्स हवा ठंडी ठंडी और मौसम भी थोड़ा ठीक है आज, लेकिन अब तो रात के टाइम है तो इतना पता नहीं चलेगा। तो अभी बजे हुए हैं 7 और आज जो डेट है वो है 13 सितंबर। और आपको एक और बात बताता हूँ, मुझे जो ईयरफोन थे ना जिसके ऊपर मैं इतने चक्कर काट चुका था, कभी भैया की शॉप पे, कभी सर्विस सेंटर पे, कभी इधर कभी उधर, तो फाइनली वो मुझे ना मिल चुके थे, तो वो मैं आपको बता नहीं पाया। तो अब मैं आपको ना थोड़ा बहुत उसी के बारे में बता देता हूँ कि वो मुझे मिले कैसे और क्या हुआ मेरे साथ। चलो थोड़ा सा रोड पे चलते हैं और पानीपत सिटी में थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं। क्यों? अभी यहाँ पे कोई और गलियाँ तो है नहीं अपने पास, अभी तो फ़िलहाल हम सेक्टर में हैं। तो अब बताता हूँ आपको क्या हुआ। वैसे देखो यहाँ पे ना फनफेयर लगा हुआ था, जो आपने वीडियो देखी हो अगर मेरी बुल राइड वाली, तो अभी सारा हट चुका है। हाँ, तो जो ईयरफोन थे ना वो भैया ने मेरे को जितना टाइम बताया था, मैं उस टाइम पर भैया के पास चला गया। तो उससे नेक्स्ट डे गया मैं फिर भी कि यार एक दिन एक्स्ट्रा ही ले लेंगे। तो भैया ने मुझे क्या कहा कि वो अपनी तरफ से मुझे ईयरफोन दे रहे हैं, और जो पुराने ईयरफोन थे ना उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो उन्होंने मुझे सेम मॉडल के ईयरफोन जो मेरे पहले वाले थे वो उन्होंने मुझे खुद पकड़ा दिए, और नए ईयरफोन थे। बस ये था कि डब्बा मेरे वाला ही था जो पुराना था, बस ईयरफोन अंदर न्यू थे। शायद वो भी मेरी पॉकेट में, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड निकालता हूँ। रोक ली, देखो ये वाले ईयरफोन थे जो मेरे ख़राब हुए थे, अभी बिल्कुल न्यू है, अब अच्छे से काम भी कर रहे हैं, तो अभी तो ये चल रहे हैं बढ़िया। लेकिन भैया ने मेरे को एक बात बोली कि अगर ये वाले अभी ख़राब हो गए ना, तो मुझे फिर से वही वाला बिल जो मेरा पुराना बिल है, वही डब्बा और ये ईयरफोन लेके फिर से सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। और जो कि मैं जानता ही हूँ, अगर मैं वहाँ सर्विस सेंटर गया तो मेरा काम तो बनने से रहा, क्योंकि वहाँ पर जाके तो फिर से वो बिल को इनवैलिड बोल देंगे। यहाँ से यूटर्न ही ले लेते हैं, आगे कहाँ ही जाएंगे, तो बिल को तो वो इनवैलिड बोल ही देंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार बस ये वाले ख़राब नहीं होने चाहिए, ये अपना बढ़िया चल रहे हैं। और बाकी अपना वीडियोस पे यार सब्सक्राइबर, वीडियोस पे कह रहा हूँ चैनल पे यार सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार। पहले अच्छे भले ग्रो हो रहे थे यार, और अब काफ़ी स्लो हो गया है, तो शेयर वगैरह करो वीडियोस, और अगर वीडियोस अच्छी नहीं लग रही है तो यार वो बता दो, और लाइक करा करो और कमेंट करके भी बताया करो यार, ताकि थोड़ी इम्प्रूवमेंट वगैरह करूँ मैं। और मसूरी ट्रिप वाली वीडियोस तो आप अब तक देख ही चुके होंगे, और नहीं देखे होंगे तो जैसे कि पहली वीडियोस में बोलता हूँ मैं, लिंक ऊपर आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो ज़रूर देख लो और बताओ मुझे कि मैंने उसमें क्या गलती करी है, क्या सही किया है, और कैसी आपको वीडियोस लगी, मुझे क्या क्या अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए ताकि आपको वीडियोस और अच्छी लगे। और व्लॉगिंग तो अपना चलती ही रहेगी, बाकी देखते हैं हमें और कौन सी बाइक वगैरह मिलती है जिसके साथ हम ड्रैग रेस वगैरह कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी दोस्तों से पता कर रहा हूँ मैं कि उनके पास कौन सी बाइक्स हैं, तो वो भी देखेंगे। तो फाइनली अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और नाइट में क्वालिटी वगैरह तो ऐसी ही आती है, लेकिन नाइट में जो घूमने का मज़ा है ना वो अलग लेवल का है, वहाँ पे तुम घूम नहीं पाए। तो मीन्स बाइक पे नहीं घूमे हम नाइट में, वैसे तो घूमे थे, लेकिन यार वहाँ पे भी ना काफ़ी हैप्टिक डे हो गया था। मीन्स पूरा दिन हमने ट्रैवल किया, और रात के टाइम एक व्लॉगर की ज़िंदगी क्या होती है जो डेली व्लॉग डालता हो, तो रात को जाओ, जाते ही अपना पहले अपनी जितनी भी चिप्स वगैरह हैं, जो फ़ोन वगैरह में रिकॉर्डिंग है, उन सबको लैपटॉप में डाल लो, फिर उनको अरेंज करो, फिर एडिटिंग करो, और हमारा डे वहाँ पे, मेरा भाई तो सो गया था, तो मेरे साथ तो अपना यही सब चल रहा था कि अपना पूरा मतलब पहले तो अपना एडिटिंग वगैरह करता था, और हिली एरियाज़ में नेट तो चलता नहीं आसानी से,
तो वहाँ पे जो वीडियो वगैरह अपलोड करनी होती थी वो इतनी लेट होती थी, और जब तक तो वीडियो अपलोड नहीं हो जाती यार तब तक नींद कहाँ आने वाली थी। तो ऐसे ही अपना रात के 3 4 इतना टाइम हो जाता था वीडियोस अपलोड करते करते, और तब भी अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो यार बुरा तो लगेगा ना। तो इसलिए व्यूज़ भी बढ़ाओ, लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ अपना। लेकिन हमने रूटीन नहीं टूटने दिया था, डेली वीडियोस डालता रहा मैं। इवन आने के बाद भी एक दिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था व्लॉग, तो मैंने अपना वो फन फेयर में गया था तो वहाँ पे जो क्लिप थी वो डाल दी थी। अब यहाँ से भी थोड़ा सा यू टर्न ले लेते हैं। ये यहाँ पे हुड्डा में खाने पीने की जगह है। भाई क्या कर रहा था ये, ठोक दी बाइक के अंदर, हॉर्न भी दे रहा हूँ फिर भी नहीं समझ आ रहा इसको। मैं खड़ा हुआ हूँ और मैंने हॉर्न भी बजाया फिर भी रिवर्स ले जा रहा है। टच तो हो गई थी टायर पे, बस लगी नहीं है। कोई नहीं, होता है, अगले ने पीछे देख के नहीं मोड़ी ना, पीछे देख के मोड़ता तो शायद ऐसा ना होता, या शायद इसके में कैमरा नहीं होगा, या पीछे मतलब अलार्म वगैरह नहीं होगा ना सेंसर वाला, ऐसा होता रहता है। मुझे ही थोड़ी पीछे खड़ी करनी चाहिए थी, क्योंकि इन जगह पे ना इस टाइम थोड़ा चक्कर मारने में घूमने में अच्छा लगता है, मीन्स इंजॉयमेंट फ्रेशनेस मिल जाती है। बाकी तेज स्पीड में तो हम चलाते नहीं हैं, अपना नॉर्मल चलते हैं। एवरेज चेक करें अपनी बाइक की क्या निकल रही है, अब 42 किलोमीटर दिखा रहा है अभी यहाँ पे ये। चलो कोई नहीं, इसकी तो अभी सर्विस करवा के लाया था मैं, और ट्रिप के बाद मेरे ख्याल से इसकी सर्विस अब जल्दी आ जाएगी, क्योंकि भैया ने मेरे को बताया कि जिस तरह से मैं चलाता हूँ ना उस तरीके से अगर मैं चलाता रहा तो हर 2000 किलोमीटर पे मुझे सर्विस करानी पड़ेगी, और नहीं तो अपना 4000 किलोमीटर पे। और वैसे सर्विस करवाने के बाद से अब तक 1000 किलोमीटर तो चल ही चुकी है, और डेली अपनी बाइक 100 150 तो चली जाती है कॉलेज आने जाने में और ऐसे वैसे। तो देखते हैं अब नेक्स्ट सर्विस पे कितना खर्चा आएगा इसका। बाकी 1000 सब्सक्राइबर्स जिस दिन हो जाएंगे उस दिन कुछ नया सा सरप्राइज़ प्लान करेंगे, कुछ बढ़िया सा करेंगे। आई होप कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए, जिस दिन आप 1000 करा दोगे उस दिन कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे, और वो शायद आपको पसंद भी आए। तो अभी छोटा सा एक व्लॉग तो अपना बन ही गया है, आपसे थोड़ी बहुत बातचीत भी होगी, बाकी तो अपना नेक्स्ट डे हम अपना और बातचीत करेंगे ही, और डेली आपसे इसी टाइम मिलते रहेंगे। हाँ ये बात अलग है कि जिस टाइम मैं बातचीत कर रहा हूँ उस टाइम आप साथ नहीं हो, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही 9 o'clock पे सुबह आ जाया करो, और अच्छा लगता है आपसे इतनी बातचीत करके। अरे वाह, हाई बीम की लाइट ऑन नहीं है, तभी तो थोड़ी इतनी डार्कनेस ही फील हो रही थी मुझे। बाकी थोड़ा सा और राउंड मारते हैं, चलो थोड़ा ना मार्केट साइड चलते हैं एक बार, वहाँ पे देखते हैं क्या रिकॉर्ड होता है। व्लॉग तो अपना हो ही गया है, ज़्यादा लंबे व्लॉग डालना अच्छा है या फिर ये छोटे छोटे व्लॉग्स डालना अच्छा है ये भी मुझे बता देना। ये तो सिर्फ एक नाइट का, नाइट तो नहीं कहते इसको, इवनिंग राइड। और हाँ आप में से अगर किसी ने अब तक ब्रह्मास्त्र मूवी देखी हो ना तो कमेंट करके बताना कि यार उसकी मीन्स कैसी है, देखने लायक है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उसके बाद एक अपना व्लॉग भी बन जाएगा अगर देखने जाएंगे तो। लेकिन कमेंट करके बता देना यार, आप में से कोई कमेंट नहीं करता, कमेंट करा करो यार, कुछ ना कुछ तो करा करो, चाहे गालियाँ दे लो लेकिन कमेंट कर दो, समझे, इंटरेक्शन बना के रखो यार। चलो चलते हैं अपना यहाँ से अंदर, फिर अपना घर चल लेंगे। मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन करी हुई है ना, कहीं मैंने व्लॉग शूट कर लिया हो और रिकॉर्डिंग कुछ हुआ नहीं हो, क्यों पहले ही बैटरी कम है कैमरे में, आज मैं चार्ज भी नहीं कर पाया इसको, मुझे लगा था इसमें है कैमरे में बैटरी। चलो अभी तो लाइट जल रही है, मीन्स रिकॉर्डिंग हो रही है, देखते हैं कैसा है सीन यहाँ पे आसपास। मैं सोच रहा हूँ इसका ना साइलेंसर चेंज करवा लूँ, साइलेंसर चेंज करवा के आवाज़ वाला फिर अपना राउंड मारते हैं, फिर वही बात लोफर और क्या कहते हैं छपरी। हाँ इससे याद है, आपको पता है जब मैंने बाइक लेने का सोचा था ना उस टाइम पहले मैंने डिसाइड करा था कि मुझे मींस डिसाइड नहीं करा था कि मुझे लेनी कौन सी है, कभी मैं KTM सोचता था कभी R15 ये वो और ये RS वगैरह। तो KTM जब भी मैंने सोची थी ना तो मेरा भाई या कोई और होता था कहते छपरी है तू,
पता नहीं यार KTM के ऊपर छपरी का टैग क्यों लगा रखा है। शायद इसलिए क्योंकि आजकल लोग जो KTM वगैरह चलाते हैं ना, छपरियों से कम नहीं है। मीन्स ऐसे चलाते हैं टेढ़ी मेढ़ी करके, ये वो, खुद की जान तो रिस्क में डालते ही हैं, औरों की भी डालते हैं। यार चलाते हम भी तेज हैं, लेकिन हम यहाँ पे जैसे इन गलियों में, जैसे अभी भीड़ भड़ाका है यहाँ पे, ऐसे नहीं करते हम। चलो अच्छा है, कम से कम छपरी तो नहीं है। और दूसरी क्या बात, मैं जैसे ये वाली बाइक लेके गलियों में जाता हूँ ना, तो छोटे बच्चे वगैरह होते हैं ना, जैसे उन्हें तो पता ही नहीं था कौन सी बाइक है, लेकिन उनके माइंड में यार दिमाग में एक नाम होता है, KTM। वो बोलते हैं KTM है। अब उन्हें क्या पता KTM अलग है, ये अलग है। लेकिन अच्छा लगता है जब रिएक्ट करते हैं बच्चे। बाकी अब अपना जो टायर है ना, वो बढ़िया काम कर रहा है। मीन्स जो मैंने 150x70 का, नहीं 150x60 का था ये, तो 150x60 का जो टायर लगवाया था ना, उसके बाद मैंने आपको रिव्यू वीडियो में बताया था कि इसकी जो स्पीड है वो ड्रॉप हो गई है, लेकिन अभी भी ये 144 तक तो जा रही है, और ये फर्स्ट गियर में वापस से 96-97 जाने लग गई है। ये मैंने ट्राई किया था तो ठीक ही है यार, फर्स्ट गियर में कह रहा था मैं, थर्ड गियर में 96-97 जाने लगी। पहले तो 90 तक जाके ही मैक्स आउट हो रही थी ना, तो अब वापस से अपना स्पीड में भी कोई फर्क नहीं है, एवरेज भी ठीक ही जा रही है। वाह, लग गया ट्रैफिक। भाई ने ले लेना के लिए थोड़ा। इसलिए बाजार के साइड आने में थोड़ी तकलीफ होती है। चलो कोई नहीं, पीछे बैठा हुआ बच्चा देख रहा था। तो जहाँ जहाँ को वहाँ पे बैटरी वाले रिक्शा या ऑटो, ये यहाँ पे सब्जी वाली मार्केट है। देखते हैं कहाँ तक भीड़ मिलती है हमें। चलो निकल गए यहाँ से। तो देखा क्या हाल था यहाँ पे, मेरे ख्याल से वो कार वाले की वजह से जाम लग रहा था, वो आके खड़ा होकर सब्जी ले रहा था ना। मैं तो यहाँ पे कार लाते हुए भी ना डरता हूँ। डर किस बात का, यही यार, इतने भीड़ भड़ाके में या तो कार टच हो जाएगी किसी को, या कोई हमारी कार के खुर्दी टच हो जाएगा। अब देखो अब खुला आ गया थोड़ा, फिर आगे चल के फिर ट्रैफिक आ जाए शायद। देखें थोड़ी और क्वालिटी बेटर होती है ना, मज़ा आ जाता है रात के टाइम। मीन्स जैसा मेरे को आंखों से दिख रहा है ना, ऐसा दिखना चाहिए। दिन में तो चलो ठीक ही है, लेकिन जिस दिन हम GoPro लेंगे उस दिन तो अपना क्वालिटी आ ही जाएगी। अभी तो फिलहाल अपना SJKM भी काम चला रहा है अपना। चलो थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं क्या चल रहा है। ये वही शॉप आ गई जहाँ से मैंने केक लिया था, भैया के रिएक्शन भी कमाल के थे उस दिन। हमने तो वैसे पानीपत का एक राउंड सा मार लिया, मैं गया उस साइड से हूँ और अब गोल चक्कर सा लग जाएगा। चलो यहाँ से गली में से लेते हैं, भीड़ी सी गली, सुनसान गली। चलो घर चलते हैं वापस, अपना थोड़ा सा घूमना था, घूम लिया मार्केट में, थोड़ा सा और मार्केट आएगी बीच में, वहाँ पे भी रिकॉर्ड करते हैं थोड़ा। यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है, मेरी आवाज़ ही गायब हो जाएगी शायद। मेरे को वैसे ना ऐसे ऐसे मज़ा आता है हॉर्न बजाने में, ऐसा लगता है कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब बजा रहा हूँ। बंद चल पड़ी, एकदम से छुम करके बंद हुई है। चलो तो निकलते हैं अभी यहाँ से, मैं वैसे भी आज चप्पलों में आ गया हूँ शूज़ की जगह, और मुझे नहीं लगता ऐसी बाइकें चलाना चप्पलों में कोई अच्छी बात होती है, क्योंकि गियर लगाने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, नहीं तो चप्पल भी ना पहनो। अब चप्पल पहनते हैं तो वो अड़ती है।
फिर से भीड़ भड़का, लेकिन ये इतना कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा। हाँ क्या साइलेंसर करवा रहा, कैसे पल्सर के अंदर दिखा, देखना चलो अपने इंडिकेटर चालू कर लेते हैं, रात के टाइम हो रहे हैं यार, इंडिकेटर रात को जलाने के तो लगा रखे हैं, दिन में तो वैसे भी नहीं दिखते। अरे कितनी बार तो टूट गए, आपको पता है जो न्यू वाले इंडिकेटर थे ना, जो मैं अभी लेके आया था KTM वाले, जो मैंने लगा रखे थे, वो भी टूट गए। हम मैंने उन पर ठाके एम सील लगा दिया, हम देखते हैं कब तक टिकते हैं वो। आई थिंक ओरिजिनली लगाने पड़ेंगे जो इसके थे, या फिर कोई और ही अलग ही क्वालिटी के कुछ लाना पड़ेगा, क्योंकि सस्ते वाले तो बड़े महंगे पड़ जाते हैं यार। बाकी इस लोग को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि अब तो अपना घर ही जाना है और कुछ है नहीं, मार्केट वगैरह से घूम लिए हम, ब्लॉग अपना बन गया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ सक क्या है, बोलना क्या था मुझे ना, थोड़ा सा अपने बोलने के वे पे ना चेंजेस लाने चाहिए। मैं सोचता कुछ हूँ, बोलता कुछ हूँ, लो कोई नहीं, धीरे धीरे इसको चेंज करते रहेंगे। हाँ तो अब बताऊँ क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था, तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी आपसे मिलेंगे कोई बढ़िया से वीडियो के साथ। गलियाँ देख के तो हम बोर ही हो जाते हैं, तो कोई अच्छी सी वीडियो बनाएंगे अगली बार, देखते हैं क्या क्या बना पाएंगे हम। और यहाँ से अब चलते हैं अपना घर पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बार बार बोलना पड़ता है आपको।